एग्जाम के लिए जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत ही सोच समझ के तैयारी करनी चाहिए। इसके बावजूद भी कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो आपके साथ में एक ऐसी ही गलती जो है शेयर करने जा रही हूँ। मैं फाइनल कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम दे रही थी। जो सीएस के एग्जाम होते हैं वो कंटिन्यूशन में होते हैं, उनके बीच के अंदर कोई गैप नहीं होता। तो मेरा थर्ड नंबर पे पेपर था इनडायरेक्ट टैक्सेशन का। मैं बहुत थकी हुई थी और नींद भी आ रही थी, लेकिन उसके बाद भी मैंने सजेस्टेड आंसर जो थे जितने मेरे से पॉसिबल हुए सारे जो थे वो एक बार मैंने देख लिए। और एग्जाम के अंदर किस्मत देखे या बदकिस्मती देखी है कि जो मैंने पढ़ा था वही आया, बट उसके अंदर आई वॉज नॉट एबल टू राइट, क्योंकि मैं नींद में थी। तो इसलिए मैंने क्या किया कि सबके आंसर जो थे वो मगअप कर लिए, बट ये नहीं देखा कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का आंसर है। तो जब भी हम एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। सबसे पहले हमने देखना है टाइटल क्या है, टॉपिक का टाइटल क्या है, उस टॉपिक किस टॉपिक के अंदर हम उस चीज को रीड कर रहे हैं, ताकि एग्जाम के अंदर आए तो हम उसका आंसर जो है सही तरीके से लिख पाएं।